ये मुरूट सिंह के बारे में लिखा हुआ है, ये इसकी की स्पेशलिटी और ग्रोथ बिहेवियर के बारे में लिखा हुआ है। तो ये है धाइटी वुड फॉर्डिया फ्रूटिकोसा, तेलुगु में इसे गोदारी भी बोलते हैं। तो ये है धाइटी का पौधा, इस तरह से यहाँ से खुरदुरा महसूस होगा आपको, आगे से इसकी ऐसे नोक बनती हुई दिखाई देती है। ये है धाइटी, डंडी इसकी इस दिखने में कुछ इस तरह की होती है, ग्रे रंग की, ग्रे और ब्राउन कलर मिक्स है इसमें। तो ये धाइटी के बारे में लिखा हुआ है, इसके जो की स्पेशलिटी और ग्रोथ पैटर्न है वो ये लिखा हुआ है, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। जिजिफस रुगोसा तोरण के तेलुगु में से तेरमा या गोटी बोलते हैं। ये है जिजिफस रुगोसा, इसका पत्ता दिखने में कुछ ऐसा धीरे धीरे आपको बाहर जाएगा, चिपचिपा सा है, और यहाँ से जो पत्ती की बनावट है वो आपको पूरे पीछे से महसूस होगी। और ये है इसका तना, वाइट कलर के स्पॉट्स दिखाई देंगे और कांटे भी दिखाई देंगे, जैसे ये कांटा है। ज़िज़िफ़स रुगोसा के बारे में लिखा हुआ है, ये दो चीज़ें इसकी की स्पेशलिटी और ग्रोथ पैटर्न के बारे में लिखा हुआ है। तो ये है एक्जोरा कॉसेनिया, और देवारी इसका नाम है। ये है देवारी का पौधा, पत्ता इसका छूने में इस तरह से है, और इस तरह से ऊपर इसके फूल बने हुए दिखाई दे रहे हैं, जो बड़ा पौधा है। एक फल भी इसका दिखा देता हूँ, लाल रंग का फल। ये इसकी डंडी है, इस तरह से आपको चूड़ियाँ जो हैं ये ऐसे बनता हुआ बढ़ता हुआ दिखाई देगा नीचे से, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है दो कांठों के बीच में जगह कम होती जा रही है, जैसे जैसे नीचे जा रहा है जगह बढ़ती जा रही है। एक्जोरा कोकेनिया देवारी, ये इसकी की स्पेशलिटी और ग्रोथ पैटर्न के बारे में लिखा हुआ है। तो ये है 53 नंबर पे फापट पेविटा क्रासी क्रासिया कैलुस, और ये है इसका पत्ता। छूने में यहाँ से इसको आपको कटाव महसूस होगा, पीछे से इस तरह से इसका बनावट महसूस होगी। ये है इसका तना, यहाँ से जहाँ से पत्ता बन रहा है यहाँ से हरा है, नीचे से इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो पेवेटा क्रासिया कैलुस फापट के बारे में लिखा हुआ है, इसकी की स्पेशलिटी और ग्रोथ बिहेवियर के बारे में यहाँ पढ़ सकते हैं आप।